दोस्तों, कर्नाटक संगीत की महान विभूति एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पराशाला बी पोन्नामन का वलियाशाला स्थित उनके आवास पर मंगलवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि उनके परिवार के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। परिवार के सूत्रों ने बताया कि वह 96 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। कर्नाटक संगीत में निपुण पोन्नामन एक ऐसी संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा था और 1940 के दशक के दौरान यहाँ के ऐतिहासिक स्वाति थिरुनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में दाखिला लेने वाली पहली छात्रा बनी। यहाँ के कोट्टन हिल बालिका विद्यालय में संगीत शिक्षा के तौर पर कैरियर शुरू करने से पहले उन्होंने वहाँ से गण भूषणम एवं गण परिवीन का पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी के साथ पूरा किया था। उन्होंने स्वाति थिरुनल कॉलेज की पहली महिला संकाय और प्रसिद्ध आरएलवी कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स तिरुपुनी थुरा की पहली महिला प्राचार्य बनकर इतिहास रचा। 8 दशक की लंबी संगीत यात्रा के दौरान सैकड़ों संगीत कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा उन्होंने कुछ उत्कृष्ट संगीतकारों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें संगीतकार के रूप में ढाला। वहीं पोन्नामन को 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्होंने कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। वहीं इस महान संगीतकार के परिवार में 2 बेटे डी महादेवन और डी सुब्रमण्यम हैं। वहीं उनके पति देव नायकम अय्यर, 1 बेटे और बेटी की मौत हो गई है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।